हाजरीन महफिल आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और हाय। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए मेहमान के साथ जिन्हें हम भक्त कहते हैं। भक्त, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आपको एहसास होगा कि आज के शो में क्या होने वाला है। हम इन भक्त के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि समाज सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं जनाब भक्त साहब से। जनाब भक्त साहब, आपका हमारे प्रोग्राम तशरीफ में स्वागत है। मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपसे बात करके बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप भक्त हैं, मुझे तो आप हम जैसे इंसान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आप जैसा ही हूं। आप चाहे तो मुझे छू सकते हैं। नहीं, छूने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, नहीं, छू के देख सकते हैं आप मुझे। आप तो मुझे अपने जैसे इंसान नजर आ रहे हैं। मैं, आप छू के देख सकते हैं मुझे, मैं कह रहा हूं आपसे, देखिए तो सही। अद्भुत स्पर्श, अद्भुत स्पर्श, क्या बात है। कैसा प्रतीत हुआ आपको मुझे छूके? आपको छूकर मुझे एहसास ही हुआ कि ये गैर जिस्म है। मेरे शरीर में कोई आपको सामान ऐसा लगा जो आपके विपरीत हो या आपके शरीर में ना हो? आपके शरीर में हर वो चीज है जो मेरे जिस्म में। ओहो, बस फर्क इतना है जो मजा आपको छूकर आ रहा था, मुझे अपने जिस्म को छूकर नहीं आता। जब आपका स्पर्श मेरे शरीर को छू रहा था तो मानो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं स्वर्ग में हूं। आप जन्नत भी कह सकते हैं क्योंकि एक मुसलमान भक्त को छू रहा है। मेरे ख्याल से शायद यही वजह है मजा आने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहली बार किसी भक्त को छुआ है। और इतने करीब से पहली बार मैं किसी भक्त से बात कर। देखिए, आपसे पहले मैंने भी पहली बार किसी मुसलमान से बात की है, वरना मैं तो बचपन से सिर्फ उनके बारे में सुनता हुआ आया हूं। और मेरे मन में जिज्ञासा है, अगर आप आज्ञा दे तो पूछूं। अरे, आप इजाजत क्यों मांग रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूं। आप पूछिए जो आपको पूछना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज्ञा दी। देखिए, आप मुझे भक्त नहीं लग रहे, आप पूछिए जो आपको। नहीं, मेरे वस्त्रों से आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा है कि मैं भक्त हूं? नहीं, क्या वह बहुत सारे लोग भेष बदलकर अक्सर इंटरव्यू देने आ जाते हैं मशहूर होने के लिए है? अगर ये सब हो रहा है तो फिर हमारा ये एपिसोड बेकार है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा गुस्सा करिए, चिल्लाइए, नाराज होइए, गालियां दीजिए, ताकि लगे लोगों की आप भक्त हैं, तभी तो लोग हमारा एपिसोड देखेंगे। राम 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 राम, जय श्री राम। बस इसी प्लेस को रखिए, आप इसको पकड़ के रखिएगा, ठीक है? अब आप इंटरव्यू देने के बिल्कुल लायक है, पूछिए आपको जो सवाल। देखिए, आप नाराज मत होइएगा, आपको बड़े प्रेम पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। अरे भक्त साहब, आप इस तरीके से इजाजत न लें, आपके इस अदा पे तो मैं जान दे सकता हूं। आश्चर्य जी, आश्चर्य। मैं ये तो आपकी बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। क्यों? आपकी जान देने पर? आप मेरे लिए जान देंगे, एक भक्त के लिए जान देंगे, हैं? मात्र प्रेम से बात करने पर? देखिए भक्त साहब, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं। आपको जो पूछना पूछिए। आपको पता नहीं है कि आपने कितना बड़ा उपाय हमें प्रदान किया है। आपने देश के करोड़ों रुपए बचाए, करोड़ों। आप मुसलमान हैं, लेकिन इस भारत देश के सबसे बड़े देशभक्त इस वक्त आप। हाँ, मुझे रहस्यमय लग रहे हैं जी। आपने मुझे देशभक्त कहा? जी, आप देशभक्त हैं। भारत के इतिहास में पहली बार किसी भक्त ने, अरे आप, हम मुसलमान को देशभक्त कहा। रोइए मत आप, मुझे रोना आ रहा है। अरे ये अल्फाज सुनने के लिए हमारे कान तृप्त गए। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोडक्शन, अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर? पानी लाइए भाई, पानी लाइए। पानी आप पानी लीजिए, पानी लीजिए।
शांत हो जाइए आप। देखिए, अगर आप मुझे पहले मिल जाते ना तो हमारे भारत देश का इतना नुकसान नहीं होता। आपने जो मुझे सोच दी है ना, इसमें असल में क्या है ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी इतने पैसे लगेंगे नहीं, एक्चुअली इतना खर्चा है नहीं इसका। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने आपको ऐसा क्या बता दिया कि देश के करोड़ों रुपए बच गए? नहीं, ये हम आपको नहीं बताएंगे। अब आप प्रणाम देखिए, आप खुलकर बात नहीं कर रहे। देखिए, मैं आपसे बहुत खुलकर बात कर रहा हूं, और इतना खुलकर बात तो मैं अपने हिंदू भाइयों से भी नहीं करता हूं, और इससे ज्यादा अगर मैं खुला तो मुझे अपने वस्त्र उतारने पड़ेंगे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। जी 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 भक्त साहब, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे शक हो रहा है, आप कैसे भक्त हैं? आप मुझे समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझ चुका हूं। क्या समझ गया आप मुझे? आप है कौन है? आप बहुत बड़े भक्त हैं क्या? असल में मैं आपको समझ गया, आप कोई भक्त नहीं है। आपने मेरा टाइम खराब कर दिया। शाहरुख, शाहरुख, शाहरुख। अरे यार, क्या खलीफ भाई, आपके रोज रोज के नाटक खत्म। यार मैं इसका इंटरव्यू नहीं लूंगा। खलीफ भाई, रोज एक गेस्ट पकड़ के लेके आता हूँ, ठीक है? और अभी आपको ये सब बात करने की क्या जरूरत थी? मतलब अपना भक्त बता रहा है, भक्त ना गालियां दे रहा, ना चिल्ला रहा, ना चीख रहा। अरे खलीफ भाई, आपका काम इंटरव्यू लेने का है, आप इंटरव्यू तो लीजिए। इंटरव्यू तो ले रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। वैसे आप अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, कंटिन्यू करते हैं, खत्म कर लेते हैं। ये एपिसोड निकल जाएगा? अरे और क्या, निकल गया, जरा सा बचा हुआ है, मैं लेता हूँ। ठीक है, ओके। शांत हो जाइए, आप भक्त बनने की कोशिश मत कीजिए। देखिए भक्त साहब, मैं भक्त बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तो फिर आपको क्रोध क्यों आ रहा है? देखिए, मैंने आपको अपने स्टूडियो बुलाया आपको जानने के लिए, उल्टा आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मुझे जान के हैं, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? आप मेरे प्रोफेशन में उंगली कर रहे हैं। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, मैं किसी के प्रोफेशन में उंगली उठाना नहीं चाहता, ये आपकी त्रुटि है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी गलती है तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि कम से कम लगे तो कि आप भक्त हैं। यानी कि मैं आपको भक्त नहीं लग रहा हूं? नहीं सर, आप मुझे ना तो इस दौर के भक्त लग रहे हैं और ना ही उस दौर के भक्त लग रहे हैं जब भक्ति मूवमेंट उरुज पर था। ना ही तो आप मीरा हैं, ना ही रामानंद के भक्त कबीर। तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप क्या हैं। देखिए, ये तो सच है कि मैं भक्त हूं, और ये भी सच है जो भक्ति मूवमेंट वाला दौर था उस दौर का भक्त नहीं हूं जी, मैं आज ही का भक्त हूँ। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आपको भक्त लगूं। अरे कम से कम आप चिल्ला दीजिए, हैं, डांट दीजिए, हंगामा मचा दीजिए। अगर ये भी नहीं करते तो कम से कम मेरे चांटा लगा दीजिए, कोई तो न्यूज बननी चाहिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप मुझे परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं। देखिए भक्त साहब, मैं आपको फिर से नहीं समझ पा रहा हूँ। भाई मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आप भक्त की तरह बिहेव करिए, परफॉर्मेंस के लिए तो मैंने आपको बोला ही नहीं। मैं भक्त की तरह ही बिहेव कर रहा हूं, यानी कि आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं चिल्लाऊं, आप मुसलमान हैं तो आपको दो चार गालियां दूं? मत ये कर दीजिए, मजे आ जाएगा। ये सब करने के लिए हम पैसे लेते हैं। मतलब जब आपको पैसे मिलते हैं तो आप चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं? जी, और ये हमारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अब आपने मुझे अपने शो में बुलाया है फ्री में, है? और ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि परफॉर्म करूं मैं। आपको पता है 5 से 15 मिनट के लिए जब मैं परफॉर्म करता हूं तो मुझे कितने पैसे मिलते हैं? जी बताइए, आप कितने पैसे मिलते हैं? आप पैसे नहीं दे पाएंगे। क्या मतलब? जी, आपका स्टूडियो बिक जाएगा मेरी फीस देने में। क्या बात कर रहे हैं आप? जी आप प्लीज मुझे बता दीजिए कि आपके परफॉर्मेंस से कितने पैसे हैं, प्लीज बता दीजिए। मैं बड़ा अंदर से एक्साइटेड हूं। देखिए जी, एक तो मैंने बताया कि पहली बार मैं किसी मुसलमान से मिल रहा हूं। जी 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 जी, और इतने करीब से बात कर रहा हूं। जी समझ रहे हैं, और आपसे बात करके मैं प्रसन्न हो गया। शुक्रिया, शुक्रिया। मैं आपको अपनी परफॉर्मेंस की रेट बताऊंगा जी, लेकिन जी, आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। भाई आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, बस प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप प्लीज अपने परफॉर्मेंस का रेट बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए ना। जी एक मिनट, 5 लाख। क्या बात कर रहे हैं आप, आपको इतने पैसे मिलते हैं?
जी। फिर तो आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती होगी। नहीं, मेरा यही काम है। अब मुझे शो के बाद 2 मिनट के लिए मिलेंगे? प्लीज प्लीज मना मत करिए, प्लीज प्लीज। देखिए, खैर मेरा टाइम तो नहीं, लेकिन देखिए देखिए आप जैसे लोग बहुत ज्यादा वेटिंग। अरे देखिए ऐसा मत करिए प्लीज। लेकिन नहीं, नहीं, लेकिन आपसे बात करके मुझे कुछ लगा आपके अंदर, तो आप ऐसा कीजिए कि मंगलवार को जी 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 फोन करके आप मेरे निवास पे आ जाइए। मैं हाजिर हो जाऊंगा वक्त पर। जी जी मैं शाम को हाजिर हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। आप मुझसे कोई प्रश्न पूछने वाले थे? अरे हाँ, वो मैं भूल गया, वो प्रश्न भूल गया। आप पूछ लिया, कोई बात नहीं। ये जो मुसलमान होते हैं। जी जी मैं हूँ जी। आप मुसलमान? वही तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप पूछ सकता हूँ, मतलब पूछिए। ये जो मुसलमान होते हैं जी, क्या सिर्फ शुक्रवार को ही नहाते हैं? मतलब कैसी बात कर रहे हो भाई? मैं तो रोज नहाता हूँ। अच्छा, बाकियों का पता नहीं मुझे। आप हमारे प्रोग्राम आए, मुझे बहुत खुशी मिली और आपसे मुलाकात करके मैंने बहुत कुछ सीखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आप चाहिएगा मत, मैं अभी 2 मिनट में खत्म करके आता हूँ, प्लीज रुकिएगा, प्लीज चाहिएगा मत। अच्छा जी, हेलो उपाध्याय जी, मैं बोल रहा हूँ, भक्त नंबर 1 जी। देखिए सर, सर सारे 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 फंड रुकवा दीजिए, सब जी, दंगा फसाद, मूग लिंचिंग, गाय, रोमियो स्क्वाड, जितने भी सब फंड रुकवा दीजिए। हाँ जी, अरे बहुत ज़रूरी सूचना है, आपको पता है मुसलमान को सिर्फ प्रेम से मारा जाता है जी, मुसलमान ने खुद बताया है जी। अच्छा एक मिनट सुनिए, सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक तो ताबिश को ले लीजिए और इकबाल को ले लीजिए, इन 2-3 लड़कों को लेकिन पे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दीजिए जी, और देखिए इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, बेफिक्र रहिए आप। हाँ, और 1 महीने में इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। हाँ आप मीटिंग करिए, मैं बस 5 मिनट में निकल रहा हूँ यहाँ से और पहुँच रहा हूँ जी 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 बिल। अरे अरे मैं भी संगठन बहुत साल से काम कर रहा हूँ जी जी। जय श्री राम, जय श्री जी जी। अरे बेफिक्र रहिए, सब खत्म हो जाए, सब जी 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 जी। जय श्री राम, जय श्री राम जी। बहुत भूलते हैं यार ये, बहुत भूलते हैं भाई। ओहो क्या बात है। अच्छा ओह, इधर जाना है। नाजरी, आज आप मिले जनाब भक्त साहब से। आज जब मैं आया था स्टूडियो में तो बड़ा घबराया हुआ था कि भक्त साहब आ रहे हैं, कैसे होंगे, क्या बातें होंगी। लेकिन जब मैंने इनसे मुलाकात की, इनसे बातें की, तो मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत कुछ सीखा। और हमें कभी भी किसी के प्रोफेशन के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, कौन आदमी कहाँ है, कैसे परेशानी में, और देश में कितनी बेरोज़गारी है, तो आदमी परेशान होकर कोई भी प्रोफेशन अपनाता है। सबके प्रोफेशन अच्छे होते हैं। मैं खुद कभी कभी अपने प्रोफेशन से परेशान हो जाता हूँ, सोचता हूँ। आप लोग भी सोचिए अपने प्रोफेशन के बारे में, बी प्रोफेशनल। तो दोस्तों, मैं फिर जल्दी हाजिर होऊंगा एक नए मेहमान के साथ, नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शब्बा खैर, खुदा हाफिज, शुभ रात्रि, आदाब।